इस समय जेके न्यूज ब्रेक आपको ये जो तस्वीरें बता रहा है, ये दराली ब्रिज के पास एति वार्ड नंबर 1 की तस्वीरें ये बता रहा है। और किस तरह से लोग जो है आए दिन बारिश में किस तरह से दुकानदार और लोग किस तरह से परेशान होते हैं। लेकिन जब लोगों ने हमारे चैनल में कमेंट किया कि लोग उस बारिश से इतने परेशान नहीं होते, लेकिन गृह विभाग के मटेरियल से आज लोग परेशान। ये तस्वीरें देखिए, सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं। और खासकर अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार मुगल रोड का काम जारी है और गृह विभाग के आदमी जो है सिर्फ लीपापोती में लगे हुए, ये तस्वीरें देखिए, कीचड़ ही कीचड़। क्या वो ड्रेनेज सिस्टम सुधरेगा इस मटेरियल से? आइए दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट और लोगों ने किस तरह से गुहार लगाई और सादा निशाना गृह विभाग कर कुछ ही लेबर्स पर छोड़ दिया जाता है काम। जई हजरात जो हैं वो आराम से एसी में बैठे हुए ग्राउंड में लग रहा है रेते में मिट्टी मिलाकर। ये तस्वीरें देखिए। और जेके न्यूज ब्रेक हमेशा लोगों की ग्रीवेंसीज को उजागर करने में अहम रोल निभाता है। और लोगों ने गुहार लगाई कि गृह विभाग इतना अच्छा कार्य कर रहा है कि उनके जई हजरात को पता ही नहीं कितनी रेशो लग रही है। आइए दिखाते हैं तस्वीरें और आप भी कमेंट करें कि ऐसी अगर ड्रेनेज सिस्टम हमारा तैयार होगा तो आए दिन किस तरह से लोग जो है खिट्टा पीर पंजाल की बात करें तो आपको पता है रेनी सीजन में किस तरह से छोटे छोटे नाले और ये नालियां जी है किस तरह से उग्र रूप ले लेती हैं और व्यापार में और लोगों के आने जाने में किस तरह से दुश्वारियां पैदा होती हैं। लेकिन गृह विभाग लगा हुआ अपनी ही बढ़ोतरी के लिए। लोगों ने कहा कि गृह विभाग जो है हमेशा सुस्ती में। और तस्वीरें देखिए, जब जेके न्यूज ब्रेक वहां पर पहुंचा, लेबरर काम छोड़कर आगे पीछे भागते हुए, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बात तक नहीं की। जब उनके बोला तो बोले हम अनपढ़ हैं, हमें पता ही नहीं कितनी रेशो लगती है। जेई क्यों इस पे सुस्ती बरत रहे हैं? और खासकर गृह विभाग लोगों के मन में वो जगह नहीं बना सका जो कि उसे बनानी चाहिए। और खासकर उन्होंने कहा कि सेंटर का महकमा गृह विभाग, लेकिन छोटे छोटे ठेकेदार जो होते हैं वो काम कराते हैं गांव में इससे 50 गुना ज्यादा। लेकिन गृह विभाग क्यों जो है गंदा मटेरियल यूज कर रहा है? चंद सिमट की गुथियों को बिक्री करना के मंशा से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ राकेश तारा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक। जेके न्यूज ब्रेक हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर रखता है। और आपको बताते चले, जिस तरह से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और खासकर हमारा जो गृह विभाग है, गृह विभाग किस तरह से रेशो लगा रहा है, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये रेशो लगा रहा है। ये आप जान सकते हैं कि कीचड़ ही दोबारा नालियों में लगा रहा है। और कैसे जो है रुकेगा ये मटेरियल, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से टोटल जो है एक लीपापोती गृह विभाग कर रहा है। आप जान सकते हैं कि किस तरह से, अगर इस एरिए की बात करें तो आए दिन जब बारिश होती है लोगों की दुकानों में पानी चला जाता है। और ये देखिए, सिर्फ गृह विभाग लीपापोती करते हुए। और ये तस्वीरें देखिए, जेके न्यूज ब्रेक इस समय आपको ये तस्वीरें बता रहा है। ये देखिए, कौन कहेगा कि इसमें सिमट है, ये तस्वीरें बयां कर रहा है जेके न्यूज ब्रेक। ये तस्वीरें देखिए। ये लोगों ने हमारे चैनल पर कमेंट किया, सुर्ग लोग हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, इनसे करते हैं बात कि आप बताइए कि ये जो मटेरियल लग रहा है क्या सही लग रहा है? ये तो देखने में कुछ सही नहीं है। आपकी एज जो है, आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आप ऊपर वाले को नज़रअंदाज ना करें, सही बात बताएं कि अगर ऐसा मटेरियल लगा रहे हैं तो क्या सही लगा रहे हैं? बस रहेगा ना 5-7 दिन तो फिर उसका ख़त्म हो जाएगा, बारिश होगी तो ख़त्म हो जाएगा। तो टोटल इसमें देखिए क्या है? टोटल कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब हम अगर कोई घर बनाते हैं तो ऐसा मटेरियल लगाते हैं? हम तो लगाते नहीं है, बाकी लोग लगाते तो लगाते रहे। हाँ हाँ, लेकिन गृह विभाग कितनी मस्ती में। नहीं, ये तो बहुत हनस्त आदमी है जी, ये महकमे बहुत हनस्त है।
अच्छा बहुत, लेकिन आपके दिल की आवाज कह रही है कि देखिए इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ग्रीफ विभाग बहुत ही अच्छा महकमा, बहुत ही नष्ट महकमा है, इसमें जो मुलाजिम है वो भी नष्ट है बहुत ज्यादा। अच्छा, तो इसीलिए इनको ये काम दिया जाता है कि ये महकमा जो ये इसकी देखभाल कर सकता है रोड की और कोई नहीं कर सकता। तवा रखते हैं और सीनियर सिटीजन है, इनसे बात करेंगे कि आखिर ये गृह विभाग, इनका तो अपने हिसाब है, इन्होंने देखना है कि हमने कैसे काम करना है। काम तो इनको ऐसे करना चाहिए कि जो भी काम करें वो अच्छे ढंग से करना चाहिए, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं ये ना के बराबर है। ये मलबा जो डाल रहे हैं ये तो मिट्टी के बराबर है, अगर इसी वक्त बारिश हो जाएगी तो सारे के सारा ख़त्म हो जाएगा। ये ना बनाने का, इसका कोई बनाने का इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का लॉस कर रहे हैं ये। ओवरऑल जो भी तकरीबन गवर्नमेंट का लॉस ही कर रहे हैं, काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो आप मानते हो कि गृह विभाग एक सेंटर का महकमा है, अगर वो ऐसा करेगा तो आम ठेकेदार लोग क्या करेंगे? उन्होंने तो देख कर जो वो कर रहे हैं वो देख कर वो भी ऐसे इससे भी बाद हतर करेंगे, वो अच्छा काम नहीं करेंगे, इससे भी खस्ता हाली करेंगे जो आगे काम हुआ है ये, इससे भी वो ठेकेदार जो लेंगे इसको देख कर वो तो पूरा ही पूरे का सिस्टम ही ख़राब कर देंगे। तो इस समय जो उन्होंने मटेरियल तैयार किया हुआ है तो आप बता सकते हैं क्या है इसमें? इसमें तो ये मिट्टी नज़र आ रही है। जी जी, रेत है तो इसमें सीमेंट तो है नहीं, इसमें लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, रेत ही रेत है, वो भी रेत जो है वो मिट्टी के बराबर है। तो जिस तरह से आए दिन आपको बताया खेता पीर पंजाल में रेनी सीजन है, तो बारिश जब आती है लोगों की दुकानों में जाता है पानी, तो उसको ठीक करने के लिए ऐसा मटेरियल क्या लगाना सही? ये नहीं लगाना चाहिए, अगर काम करना है तो फिर सही काम करना चाहिए, नहीं तो ऐसा काम करें कि कल लोगों को नुकसान हो जाए, फ़ायदा कौन नहीं होती, काम करने का फ़ायदा नहीं है, इससे बेहतर है काम ना करें, जैसे है वैसे ही रहने दें। तो जैसे भी लोग अपने ढंग से जो है पानी बचाओ, जैसे लोग बचाओ पहले करते आए हैं ऐसे लोग खुद अपना बचाव करेंगे क्या करेंगे। देखिए आपके सामने हमने जब ये देखा और लोगों ने कमेंट किया तो ये देखिए पूरी मिट्टी ही मिट्टी। तो जब यहाँ पर जो काम कर रहे थे वो भी हमें देखकर भाग गए, आगे पीछे हो गए, तो क्या अगर सही लगाते तो रुकते यहाँ पे? नहीं, अगर सही होता तो फिर आपको देखकर उन्होंने रुकना था, आपसे बात, आप उनसे बात करते, उन्होंने कहना था भाई हमारा काम अच्छा चल रहा है, लेकिन जब उनका काम ही गलत है तो रुकते कैसे? वो जवाब ही कोई नहीं उनके पास। देखिए कि बड़ा दुख होता है मन में कि कहीं ना कहीं जिस तरह से करोड़ों रुपए आते हैं रोड के लिए, और ये देखिए इस समय ये तस्वीरें देख रहे हैं, जो भी यहाँ काम कर रहे हैं वो इस समय सब भाग चुके हैं, पता नहीं किसने किस को 10 गुत्थी बेची होगी, 20 गुत्थी बेची होगी कि ये मटेरियल दिखाने के लिए, लेकिन ये मटेरियल दिखाते हैं। और जी जी, इस लेबॉरेटरी में भेजो इसको, जो बनाया इन्होंने मसाला लेबॉरेटरी में भेजो, खुद जाँच हो जाएगी कि क्या है, क्या लगाया इन्होंने, क्या डाला इसमें। तो हमारे साथ सीनियर सिटीजन यहाँ के हैं, इनके सामने ये जो है ये सर पकड़े आप, और ये हम लेबॉरेटरी में दिखाएंगे कि किस तरह से जो है लगातार धांधली कर रहा है गृह विभाग, क्यों जो है लोगों की जिंदगियों के साथ खेलता है। और ये सामने देखिए ये सीनियर सिटीजन है हमारे साथ, ये हम जो है लेबॉरेटरी में टेस्ट करवाएंगे कि कितना मटेरियल इसमें डाला गया है। ये देखिए जिस तरह से जेके न्यूज़ ब्रेक का कमेंट बॉक्स है, लोग कमेंट करते हैं आए दिन, देखिए बुज़ुर्ग लोग भी जो है सीनियर सिटीजन यहाँ के हैं, ये किस तरह से एक डिब्बा दे रहे हैं कि इसमें डालो, और दोबारा जो है इस डिब्बे में डालेंगे। देखिए ये मटेरियल, हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि वो बताएगा कि ये मटेरियल है, ये मटेरियल है, ये लोगों की डेवलपमेंट हो रही है, हमारी मुगर रोड की डेवलपमेंट हो रही है, ये गृह विभाग कर रहा है। लोग कहते हैं कि गृह विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, जब आते हैं टेम्पो में आते हैं, जब जाते हैं मर्जी कार में जाते हैं, ये कहीं ना कहीं सत्य कथन। और देखिए सिमट, देखिए आइए हम आपको सिमट बताते हैं, ये देखिए पूरे दिन में 2 बैग सिमट, पूरे दिन का काम 2 बैग सिमट, और कि किस तरह का ये मटेरियल जो है यूज़ किया जा रहा है, कि आखिर गृह विभाग क्यों बरत रहा है लापरवाही। ये पानी आ रहा है, ये देखिए पूरा मिट्टी ही मिट्टी, मिट्टी के बबूले जो है आपको सामने नज़र आ रहे हैं, और गृह विभाग सिर्फ लिपा पोथी में। और जेके न्यूज़ ब्रेक का यही प्रयास होता है कि जब कोई भी कार्य हो लोग कमेंट करें,
और इस समय देखिए कोई भी यहाँ पर नहीं। अगर अच्छा मटेरियल लग रहा होता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अधिकारी पहुँचते। और यहाँ के बिजनेसमैन है, इनसे बात करते हैं कि आए दिन जब बारिश होती है तो कितनी बुरी हालत होती है आपकी दुकानों की, और गृह विभाग किस तरह से ये मटेरियल लगा रहा है। जी ये मटेरियल जो यूज कर रहे हैं ये देखिए, ये तो है मिट्टी है ना, बजरी नहीं है इनके पास। हाँ कौन दरिया से नाले से उठा के लेते हैं। अच्छा पर जेसीबी से उठाते हैं, कैसे उठाते हैं तो। लेकिन ये देखिए सीमेंट डालते नहीं ना, तो आप क्या एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे? हम ये अपील करते हैं इनका चेक किया जाए, इनको अच्छा मटेरियल लगाएं जिसके कल कोई फायदा, जो गाड़ी इसके ऊपर चलेगी वो नाली में आ जाएगी, वो तो नीचे गिरेगी, तो एक्सीडेंट कैसे होते हैं, ये रोड का ये बुरा हाल है। तो जब बारिश होती है तो बुरा हाल होता है। इनको हम बोलते हैं कोई खड्डा कुछ बंद करो, कुछ कोई बात करके राजी नहीं गरीब वालों का। अच्छा कितनी बार हमने बोला है इधर ये नाली ब्लॉक हो जाती है कितनी बार। इस समय टाइम छुट्टी का कोई नहीं है, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं वहाँ से भाग गए हैं, तो क्या कहेंगे आप? अब भाग गए तो चोर भागते हैं, कौन भागता है? आप मानते हो कहीं ना कहीं कोताही थी काम में? बिल्कुल कोताही तो है इनकी, इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो क्या अपील करेंगे सरकार से? सरकार से ये अपील है, मौके पे कोई अफसर है देखे इसको, जय इनका कोई मौके पे आता नहीं है, कुछ नहीं है, ये लेबर वाले आते हैं अपनी मर्जी से काम करते हैं चले जाते हैं एक या दो घंटे बस। ये आप बताइए, ये देखिए ये है सीमेंट, ये गृह विभाग का सीमेंट देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये है गृह विभाग का सीमेंट। नहीं रेशो क्या है सीट पाई थी? अनपढ़ आदमी नहीं पता रेशो का। अनपढ़ इसमें मतलब मसाला शाला तो उसने नहीं पाने ना बोला नहीं। ये तस्वीरें देखिए कि खाली एक दिहाड़ी लगाने के लिए आते हैं बस, सारे दिहाड़ी लगाने ये कि इसकी ना खुदाई की गई ना कुछ किया गया, बिल्कुल ऐसे जो है जैसे हम कहते हैं कि खेती में हम जैसे बीज बोते हैं उस तरह से ये बीजा गया है कि बजरी को हम बिखेरेंगे तो ये कल बड़ा होगा और अनाज की तरह बढ़ेगा। लोगों का यही सवाल, आखिर गृह विभाग क्यों करता है मनमानी और क्यों गृह विभाग हर प्रकार जो है ये तस्वीरें बयां कर रहा है जेके न्यूज़ ब्रेक कि क्यों नहीं मटेरियल ग्राउंड में लग रहा, मटेरियल कहाँ जा रहा है ये भी सवालिया निशान। आप लोग इस पर कमेंट कर सकते हैं और कमेंट कर बताएं कि ऐसा मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं उनके खिलाफ़ क्या होना चाहिए।